राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान के तहत मुरादाबाद में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में जनपद मुरादाबाद के 10,000 से अधिक लोगों ने अपने मामले के समझौते के लिए आवेदन किया। इस लोक अदालत में जनपद मुरादाबाद के सभी बैंकों के अधिकारी, लीड मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित कर वादी प्रतिवादी के बीच चल रहे वादों में समझौते के प्रयास कराए गए। बैंकों से लोन लेकर न चुकाने वाले ग्राहकों और बैंक के बीच समझौता कराया गया। लगभग 1,000 से अधिक लोगों का आज बैंक से लोन लेने का कारण चल रहे विवाद में समझौता कराया गया। इसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी, विद्युत विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों में भी समझौते का प्रयास जारी है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में हर 3 महीने में एक बार लगती है, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा होता है और इसके साथ साथ ही न्यायपालिका पर भी वादों का भार कम हो जाता है। मोहम्मद नफीस, आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगी है, आपकी क्या समस्या थी, उसका समाधान हुआ या नहीं? जी, हो गया समाधान। क्या समाधान? समाधान देता, हमारा जो लोन था उसकी आरसी कट गई थी। कितना लोन था? लोन था हमारा 4.75। क्या निस्तारण निकाला? निस्तारण इन्होंने 3.75 में निपटाया है। संतुष्टि है? संतुष्ट तो ये है कि जब हमारे पास इतना नहीं, हम तो चाहे और कम हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं इससे कम होगा ही नहीं। लेकिन अब तो संतोष कुमार, क्या समस्या थी आपकी? बैंक का लोन था। अच्छा, तो क्या निस्तारण हो गया? निस्तारण हो गया 18,000। कितना कितना लोन था? 20,000 का। कौन सी बैंक थी? सिंडिकेट बैंक। कितने में निपटा? 18,000 में। 2,000 का डिस्काउंट।